आपने बचपन में सुना होगा कि पेंसिल के छिलके और दूध से हम इरेजर बना सकते हैं और बहुत लोग इसे फेक बताते हैं, बट यार ये फेक नहीं है क्योंकि वो इसे गलत तरीके से बनाते हैं। दूध और छिलके के अलावा एक और चीज की जरूरत होती है और उस केमिकल का नाम है जिलेटिन पाउडर, क्योंकि ये पाउडर किसी भी लिक्विड को सॉलिड में बदल देता है। तो आज हम भी इस पाउडर की हेल्प से इरेजर बनाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक 60 सेकंड की वीडियो के लिए 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है, 20-25 वीडियो क्लिप्स, वॉइस ओवर, एडिटिंग, स्क्रिप्ट, इससे भी मुश्किल एक वायरल कंटेंट को सोचना, और आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, तो प्लीज लाइक तो कर दिया करो। तो सबसे पहले हमें दूध को गर्म कर लेना है और थोड़ा उबलने के बाद इसमें जिलेटिन पाउडर डाल देना है और पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और थोड़ा ठंडा करने के बाद मैंने इसे कप में डाल दिया। तो अब बारी थी इसमें पेंसिल के छिलके डालने की, तो मैंने पेंसिल के सारे छिलके इस दूध में डाल दिए। अब मैंने इसको फ्रिज होने के लिए रख दिया जिससे हमारा लिक्विड सॉलिड में बदल जाए, और कुछ टाइम के बाद हमारा इरेजर बन चुका था। तो मैंने इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लिया।